गुड इवनिंग एवरी वन सबको नमस्ते आदा सत श्रीकाल जैम सि की द रॉल कैसे हो आप सब पार्लियामेंट चैप्टर हाँ जी मदर ठीक है कुछ आज उनका काफ़ी ट्रीटमेंट कराया है बाकी आप सबका आशीर्वाद है शी इज़ फाइन नाउ पार्लियामेंट चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है ये मैं कराना नहीं चाहता था दस बारह चैप्टर हो जाते हमारे ठीक है लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये देखो ये मदर है पूरी पॉलिटी की ठीक है तो हमें ये करना चाहिए जी शी इज़ फाइन नाउ गुड वाली इवनिंग हमांत जी आपको भी मेरी तरफ से हाँ जी गुड इवनिंग जी साहब सबको गुड इवनिंग चलो मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे पूछ लेते हैं न्यूज में एक ईडी e आ रहा है क्या होता है ईडी e ईडी e क्या होता है व्हाट्स द फॉर्म ऑफ ईडी रोहित ग्रेट फोर आपको बहुत बहुत सोफिया की तरफ से ब्लैसिंग और मेरी तरफ से दस लडू सही है आप बता सकते हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर आता ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये हाँ जी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है किस मंत्रालय के अंडर आता है शिवम से ग्रेट आपको बहुत बहुत सोफिया की तरफ से ब्लैसिंग और मेरी तरफ से दस लड्डू नाम मिलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फैनानस के अंडर आता ये सागर मनप्रीत कौर शिवम कुमार और शिवम कुमार भी हैं एक सेठी है एक कुमार है शिवम और बहुत बहुत ब्लेसिंग आप सबको सोफिया की तरफ से देखो ब्लेसिंग तो सोफिया की तरफ से मिलेगी लड्डू मेरी तरफ से ठीक है ये एक्ट करता एक आपने सुना होगा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मनी ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सुना आपने हाँ जी हाँ जी शिवम हाँ जी शिवम कुमार ओके ठीक है आप टू शिवम हो गए ठीक है हमारे पास टू बैट्समैन है ये हाँ जी हाँ जी ठीक नहीं हाँ जी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है हाँ जी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है जो बंदे ब्लैक मनी वाइट मनी ठीक है यार ब्लैक मनी वाइट मनी ये क्या होता है बड़ा दिक्कत है जो अपने पैसा अपनी आमदन के रिसोर्स से ज्यादा बनाए उसे कहते ब्लैक मनी ठीक है जो आपने मेहनत करके खून पसीना कमाया उसे कहते हैं व्हाइट मनी अरे भाई बड़े अच्छे नाम है ये कुछ बंदे वाइट ब्लैक मनी को वाइट मनी करना चाहते हैं ठीक है तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसको ईडी रोकता है ठीक है अनफोर्स डायरेक्टोरेट ये लॉ को इंप्लीमेंट कराता है मेन ठीक है हाँ जी आप मेरी बात समझ रहे हैं ना ठीक है तो मैंने पटियाला में प्लॉट लेना चाहता था ठीक है घर बनाने के लिए तो कोई भी पार्टी तैयार नहीं है कि मैं बैंक से पैसे लूंगा कहते जी माम वाइट मनी नहीं लेंगे बैंक से नहीं लेंगे पैसे वी आर वेरी सॉरी हम बैंक से पैसे लेंगे कैश लेंगे हाथ में हाथ में अरे भाई व्हाइट मनी तो कोई लेना नहीं चाहता ठीक है तो ईडी एनफोर्स डायरेक्टोरेट क्या करता है इन बंदों को पकड़ता है ऐसी ट्रांजैक्शंस को पकड़ता है ये काफी दिनों से न्यूज में है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं पॉलिटी तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया मुझे लगा कि ये आपको कराना चाहिए एनफोर्स डायरेक्टोरेट ठीक है तो इसका मुखी कौन है कब बना ठीक है वो आपने सर्च करना है ठीक है 1956 में बना था ये का डेली में है ठीक है तो एक हीरोनो को की जांच की उसका क्या नाम है पिका कौन उसकी जांच की जिन्हों रेहा चक्रवर्ती उस एजेंसी का क्या नाम है उस एजेंसी का क्या नाम है सीबीआई नहीं एक और एजेंसी है नो नो एनसीबी हैीनु सागर करेक्ट आंसर ग्रेट सिक्सर बाय मीनू सागर ग्रेट सिक्सर ग्रेट सिक्सर मीनू सागर आपको सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और मेरी तरफ से दस लड्डू नाम मिलते आपको आप इस पे नोट लिखना ठीक है और आज एक और न्यूज थी आई एन एस आती एक हमने शिप बनाया है ठीक है आई एन एस आती ये पांडुबी को अटैक करने के लिए है हाँ जी आई एन एस कावाराती उसे गार्डन गार्डन आ, रीच शेप यार्ड कोलकाता ने बनाया है ठीक है तो कई बार ऐसा भी होता है यूपीएससी मेन में, में कई बार पूछ लेते हैं कि किसने बनाया एक मिजाइल की खबर भी आज आ रही है हमारी एक मजाइल है उसका नाम नाग है टैंक फोड़ने के लिए वो भी आप पढ़ लेना देख लेना ऐसे क्वेश्चन मेन में, में पूछे जाते हैं ठीक है हाँ जी नाग ठीक है तो न्यूज़पेपर पढ़ा करो जितनी भी एजेंसी है गवर्नमेंट की ठीक है तो ये सर ने भी क्वेश्चन पूछा था के एन सी बी किसके अंडर है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कई बार हाँ जी तो आज हम स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज हमने की थी कल आज करते हैं राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ठीक है हाँ जी जो हमारी पार्लियामेंट है इसके टू चैम्बर्स हैं कितने चैम्बर्स हैं टू लोकसभा और राज्यसभा जो मंत्री होते हैं वो मंत्री जहाँ तो लोकसभा से होंगे कुछ राज्यसभा से होंगे हाँ जी ये पॉइंट क्लियर है कुछ वो लोकसभा से होंगे मिनिस्टर्स कुछ कहां से होंगे राज्यसभा से होंगे ठीक है. है उनकी मर्जी है ठीक है जो राज्यसभा से मंत्री हैं उनकी मर्जी है वो लोकसभा में बैठ जाए जो लोकसभा की तरफ से मंत्री हैं उनकी मर्जी है वो राज्यसभा से बैठ जाए हाँ जी बोलो समझ आया जा नहीं है हाँ जी? This point is clear? हाँ जी कहते के जो मेंबर ऑफ हाउस है एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ़ इंडिया राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ आदर हाउस किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं अटॉर्नी जनरल भी अटॉर्नी जनरल पता है अटॉर्नी जनरल क्या होता है हाँ जी अटोर्नी जनरल हाँ जी ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर होता है इंडी ठीक है लॉ ऑफिसर होता है जो यूनियन गवर्नमेंट के बिहाब पे ये केस केस को देखता है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बाकी इसकी पार्ज है ये किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है किसी भी कोर्ट में ठीक है अटॉर्नी जनरल जो भी मैटर लॉ का मैटर आएगा सर सरकार की तरफ से ये डिसाइड करेगा ठीक है कौन है अटॉर्नी जनरल आप मुझे बताएं हाँ जी हु इज अटॉर्नी जनरल शिवम सेठी बिल्कुल सही ग्रेट सिक्सर के के विनु गोपाल जोबनप्रीत सिंह आप सबको दस लड्डू नाम और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत, बहुत ब्लैसिंग्स के के विनु गोपाल बिल्कुल सही आंसर है जी के के विनु गोपाल ग्रेट सिक्सर हाँ जी के बिनु गोपाल की मर्जी है किसी भी कोर्ट में जाके वो बैठ सकता है उसका राइट है लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है उसको 50 लड्डू ना मिलेंगे जो बताएगा जो टर्न जनरल होता है ये ज्यूडिशरी का पार्ट होता है कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है आप मुझे बताएं अटॉर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है या ज्यूडिशरी का पार्ट होता है हां जी देख ले हम हाँ जी हरमन का बिल्कुल सही आंसर है हरमन आपको दस ना मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग इसके अलावा विकास का आंसर आया है शिवम का आंसर आया सही और वीन शर्मा और काफ़ी बच्चों का राजन का सही आंसर आया है बहुत बच्चों का सही है। आंसर आया एग्जीक्यूटिव इज करेक्ट आंसर एग्जीक्यूटिव इज करेक्ट आंसर जुडिशरी वाले पार्लियामेंट में कैसे जाएंगे आप सोच के देखो लोकसभा में कैसे बैठेंगे राज्यसभा में कैसे बैठेंगे ठीक है हाँ जी सन्नी आप लेट हो कोई बात नहीं है आप नलका मत उसकी रूट ठीक है नलका नहीं खींचना आपने हाँ जी हाँ जी आई एम लेट जी, सनी आप सनी दे okay. ठीक है ऐसे मत कहना कातिया तू चाहता कि जहां तेरे कुत्ता बन के रहू तुमको तो बांकू ठीक है इतना गुस्सा नहीं खाना हाँ जी तो ये कहीं भी जा सकते हैं लेकिन इन्हें राइट नहीं होता वोटिंग देने का देखो एमपी एमपी का तो फिक्स होता है आप कहां के एमपी हैं ठीक है देखो आपकी भी दो तरह की क्लास है एक वन ईयर और एक थ्री ईयर्स हाँ जी और हर बच्चे की एक आइडेंटिटी है कि ये वन ईयर का बच्चा और एक थ्री ईयर का बच्चा है हाँ जी तो ऐसे लोकसभा राज्यसभा सबार। उनकी आइडेंटिटी जो है जो डिफरेंट है एक दूसरे से कि एक वन ईयर है और एक थ्री ईयर है हम हम एग्जीक्यूटिव हैं हम मिनिस्टर्स हैं हमारी मर्जी है कि हम थ्री ईयर में बैठ जाए हमारी मर्जी है हम वन ईयर में बैठ जाएं ये चीज है जो सरकार के बंदे हैं मंत्री हैं वो कहीं भी बैठ सकते हैं जाके आप ये बात समझ आई या नहीं आई बिल्कुल सिंपल है जी उनकी मर्जी है मैं एमपीज की नहीं बात कर रहा मैं मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल की लोकसभा वाला तो लोकसभा में बैठेगा राज्यसभा वाला तो राज्यसभा में बैठेगा ठीक है उसकी वोट लोकसभा में लॉ बनाने के लिए पेगी उसकी राज्यसभा में ही पेगी मैं तो मंत्री की बात करता हूं वो किसी भी प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं चलो आपसे पूछते हैं क्यों क्यों ऐसा राइट है फिर आपको समझ आएगा क्यों चलो जो बताएगा उनको लड्डू ना मिलेंगे ठीक है क्यों राइट है कि मंत्री कहीं भी जा सकते हैं दुल्हे की तरह चाहे इधर घूम ले चाहे उधर घूम ले ऐसा क्यों है ऐसा थोड़ी है कि वोट से जीता होते नो 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 बिल्कुल गलत है सभी का आंसर गलत है सबके दस दस लड्डू वापस क्वेश्चन ये है कि जो मिनिस्टर है जैसे राजनाथ सिंह है हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है राजनाथ उनकी मर्जी है वैसे तो वो लोकसभा से जीते हैं लखनऊ से जीते हैं वो उनकी मर्जी है चाहे वो राज्यसभा में बैठ जाए चाहे वो लोकसभा में बैठ के उसकी प्रोसीड में भाग ले ऐसा क्यों ये क्वेश्चन है नहीं नहीं no कैसा राइट है उनके पास नो no. ये बिल्कुल सही आंसर है शिवम सेठी ग्रेट सिक्सर बॉल ग्वाचगी और बॉल ढूंढने की कोशिश है रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट बिल्कुल सही जवाब है बहुत बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट दैट्स वाई दे सेट दे because the MP asked questions to the ministers, and they have to answer. They have to answer to the Parliament. They have to answer to the Lok Sabha. They have to answer to the Rajya Sabha. That's why they sit in the. They can sit in Lok Sabha as well as in the Rajya Sabha. This is correct answers, and you are awarded 10 Nadu. and lot of blessing from Sophie Institute, Shivam Sethi, and uh, from my side, you are awarded 10 Nadu. answer is clear have you any doubt because they are responsible to parliament and mp ask the questions to the ministers or they have to answer to their questions that's why they can sit in any chambers though it is lok sabha though it is rajya sabha this point is clear They're responsible, and it's the main feature of the parliamentary system. You know, I have already told you, I have already told you, I have already told you so many times, so many times. Hanji, this point is clear. Should I move to next one? A minister who is not a member of either house can participate in proceeding of both houses. It should be noted here that a person can remain a minister for six months without being a member of either house of the parliament. It means... जैसे मोदी मेनु मान लो मुझे मिनिस्टर बनाना चाहता है तो मैं मिनिस्टर बन गया ठीक है जब मैं मिनिस्टर बन गया तो पहला काम क्या होगा मैं आपको ग्रुप में मैसेज पाऊंगा आई एम वेरी सॉरी मैं आपको पढ़ा नहीं सकता ठीक है लेकिन मेरे पे शर्त क्या होगी हाँ जी ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता कि तेरी याद ना आए ये नहीं हो सकता हाँ जी तो मेरे पे क्या होगा आई हैव टू बिकम एम पी चाहे मुझे एम पी बनना पड़ेगा चाहे लोकसभा का ठीक है चाहे राज्यसभा का कितने टाइम में विदन अदन अ सिक्स मंथ सिक्स मंथ ये बात लिखी है ठीक है हां जी नेक्स्ट है लेम डक सेशन लेम क्या होता लंगड़ा लेम डक सेशन डक क्या होता है भाई आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ये डक क्या होता है यू नो और यू डोंट नो लेम डक डक क्या होता है डक बिल्कुल सही जवाब बखत जबन सिंह ये गिल है ये गिल लग है कोई हाँ जी आपको भी दस लड्डू नाम मिलते हैं और बहुत बहुत, बहुत ब्लेसिंग्स ठीक है ये पॉलिटी में लंगड़ा डक कैसे आ गया चलो आ गया तो आ गया ये क्या होता है कि जो लास्ट लोकसभा होती है जो बंदे हार जाते हैं दोबारा फिर पार्लियामेंट के एमपी नहीं बनते तो वो लास्ट अपनी टी पार्टी करते हैं उसे कहते हैं लेम डक सेशन ठीक है जैसे उन, कौन सी लोकसभा चल रही है सेवनटींथ लोकसभा इसकी टर्नवर कब पूरी होगी बोलो 2024 में 2024 में जब 2024 में इलेक्शन होगा ये जरूरी नहीं है कि जो 543 हंड्रेड हैं वो भी जीत के वही सेम एम जीत के आए ये हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि कुछ को टिकट नहीं मिलेगी कुछ हार जाएंगे ठीक है तो सारे बंदे सेम तो जीत नहीं सकते ठीक है तो जो हार जाएंगे वो अपना दुख साझा कर जाएंगे हाँ जी जो बंदे हार गए वो दुख में पार्टी करेंगे एक ठीक है अफसोस होगा कहेंगे आपस में बातें करेंगे पांच साल हमने बहुत ऐश की ठीक है कितना दस दस बीस बीस लाख रुपया में सैलरी बनती थी पत्ते लगा के देखो हमें ट्रेवल लॉन्स मिलता था कितनी कारों का ठीक है हमें टेलीफोन खर्चे नेट आठ सौ हजार वाला नेट पैक ठीक है बातें करेंगे पेट्रोल खर्चा डीजल खर्चा कहेंगे हम फाइव स्टार होटलों में जाते थे ठीक है वहां डांस भी करते थे ठीक है बियर भी पीते थे और ये डांस बार में भी जाते थे डांस भी ज्यादा करते थे चाहे हमारे पेट चाहे दस इंच बारह इंच बार क्यों ना हो फिर भी हम डांस किया करते थे ठीक है तो अब अब हार गए हैं हमारे अकेली पेंशन मिलेगी ठीक है अरे पेंशन से गुजारा कर लेंगे हम क्या ठीक है तो चलो कोई बात नहीं कहेंगे पांच साल में बहुत कमाया है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलो कर लेंगे गुजारा फिर भी दुख होता है ठीक है इतने अलाउंस मिलते थे हमें ठीक है तो वो इस दुख में पार्टी करेंगे एक छोटी सी उसे कहते हैं डक सेशन हाँ जी लेमडक सेशन समझ आया नहीं आया हाँ जी किसी को डाउट लेम डक में हाँ जी वीना जी कहते हैं टिकट क्यों नहीं मिलती आप देखो लगता है पॉलिटी को आप समझते नहीं हो टिकट क्यों नहीं मिलती ठीक है कईयों की टिकट काट दी जाती है ठीक है जी जी आप दूसरे बच्चों से पूछ ममता ठीक है चलो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं जो बंदे हार जाते हैं ठीक है तो जो लास्ट लोकसभा होती है उनके मेंबर इकट्ठे होके एक टी पार्टी करते हैं उसे लेमडक सेशन कहते हैं एक तरह की टी पार्टी होती है पार्लियामेंट का पूरा सेशन पूरे एमपीज होते हैं पार्लियामेंट में जाते हैं ठीक है लेकिन वो हारे हुए होते हैं नेक्स्ट टाइम वो नहीं आते तो एक जो आ, ऐसे कह लो कि उसमें जो जीत के आते हैं वो भी होते हैं जो हारे होते हैं वो भी होते हैं जो लास्ट सेशन होता है मतलब लास्ट टाइम मिलते हैं इकट्ठे बैठ के एमपीज वो लेम सेशन होता है ठीक है टिकट कई बार नहीं मिलती ठीक है टिकट वोट बैंक को मिलती है जिसके पास वोट है उसको टिकट दे दी जाती है कई बार दूसरे बंदे को नहीं टिकट मिलती ठीक है ये भी चीज है तो ये तो पॉलिटिक्स है जिसके पास ज्यादा लोग हैं जहां ज्यादा पैसा है उसको टिकट दे दी जाती है ये तो पार्टी की मर्जी है ना किसको देनी है किसको नहीं देनी ठीक है तो जो बड़ा चमचा होता है उसको टिकट दे दी जाती है जो छोटा चमचा होता है उसको नहीं दी जाती ठीक है हाँ जी क्लियर है ये नेक्स्ट टॉपिक है हर काम मेजोरिटी से होते हैं ना हर काम मेजोरिटी से होते हैं देखो टिकट किसको दी जाती है ये भी शादी वाला काम होता है जैसे कोई लड़का है वो किसी लड़की को पसंद करता है मैं इससे शादी करूंगा ऐसी पार्टी का हेड होता है वो पसंद करता है कि देखो हम इसको टिकट देंगे ठीक है उसके गुण देख के या कोई जैसे भी हो कोई उसकी मीरी देख के ऐसे लगता है ये जीत जाएगा ये देख के उसकी पॉपुलरिटी लोगों में कितनी है कैसे है ठीक है आप पेपर पढ़ा करो सारे जने आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको नेचुरली चीजें समझाई जाए जाएंगी बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं आप आप वहां पे आप फोकस कीजिए बिहार के इलेक्शन पे कि कौन कौन सी पार्टियां वहां पे इलेक्शन लड़ रही हैं हाँ जी ये सिर्फ लोकसभा में होता है राज्यसभा में नहीं होता ना क्योंकि राज्यसभा में तो वो परमानेंट हाउस है उसका तो लेमडक् सेशन हो ही नहीं सकता उसका कोई लास्ट सेशन ही ना होता सिर्फ लोकसभा में होता है ये हां जी हां जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत जोश में है ठीक है जितना वो भागते हैं शायद कोई नौजवान भी ऐसा यंग यंगस्टर भी ऐसा नहीं कर सकता ये तो बहुत कम रिकॉर्ड है जब ये 2 2014 में जीते थे पता नहीं कितनी रैलियां की थी एक-एक दिन में पता नहीं कितना रिकॉर्ड है मोदी जी का आज तक कोई बंदा नहीं कर सका हाँ जी तो डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में कौन-कौन से डिवाइसेस होते हैं ठीक है पहला है क्वेश्चन आरस ठीक है फर्स्ट है क्वेश्चन आर प्रश्न घंटा कहते हैं से हिंदी में प्रश्न घंटा ठीक है हाँ जी पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन रहा है वो ग्यारह से बारह होता है ग्यारह से बारह ग्यारह से बारह तक आम तौर पे स्कूल स्टार्ट होते हैं नौ बजे सर्दियों में नौ बजे गर्मियों में आठ से दो ठीक है और आपको ऑफिस मिलेंगे सब इंडिया के नौ से पांच ठीक है और इनका कॉलेज बहुत लेट लगता है पार्लियामेंट का बहुत लेट लगता है कब से लगता है ग्यारह से बारह मतलब नून हो जाता है नून हो जाता है नून ये ग्यारह से चलते शाम के छह बजे ये कुछ जरूरी नहीं है फिक्स टाइम नहीं है कई बार लॉ ऐसे हुए कि बहुत रात के बारह बारह बजे तक पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में चलती रही और लोकसभा के और राज्यसभा के एमपी बैठते रहे ज्वाइंट सिटिंग के समय भी रात रात तक ये प्रोसीडिंग चलती रही ठीक है तो क्वेश्चन आर कितने से है ग्यारह से बारह तो ये कॉलेज लेट लगता है थोड़ा लेट लगता है क्यों लेट लगता है कई बार एम पी शाम को शराब पी ली और सुबह उठा नहीं गया तो उनके लिए इजी हो जाए होना क्योंकि क्योरम भी पूरा करना है भाई समझो क्योरम भी पूरा करना है कि भाई रात को डांस किया ठीक है किसी बार में हो सकता है सुबह जल्दी जागना आए ठीक है तो उन्हें बहुत इजी हो जाए आना पार्लियामेंट में कोई दिक्कत ना आए उन्हें ठीक है इसलिए ग्यारह का टाइम सही फिट बैठता है ठीक है तो देखो एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता बहुत बिजी लाइफ होती है ठीक है मॉर्निंग वॉक नहीं करते ठीक है फिर थोड़ा बहुत डांस हो जाए तो कोई माड़ी बात नहीं है ठीक है तो इसे प्रश्न घंटा क्यों कहते हैं कौन सी दुनिया में रहते हैं एमपी ड्रिंक करते हैं ये पूछ रहे हैं ठीक है एमपी क्या नहीं करते हैं? आप ये पूछो क्या नहीं करते ठीक है <coughs> ये हाँ जी बहुत पढ़ने वाले भी एमपी स्टडी नहीं करते क्यों नहीं करते करते हैं एक्ट जो मैं आपको पढ़ाता हूं इनके हाथ में भी होता है पढ़ते भी बहुत अच्छा है कोई बात नहीं कोई बात नहीं बिल्कुल सही है ये अः क्या नाम आपका पुरुल हाँ जी आपको भी दस लड्डू नाम मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स सारे काम तो वही करते हैं जो लॉ बनाते हैं बिल्कुल सही आपने कहा ठीक है और ये ग्रेट फोर क्वेश्चन आर का बेनिफिट क्या है वाई द क्वेश्चन आर आप ये एमपी क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से इसीलिए इसे क्वेश्चन आर कहते हैं एमपी क्वेश्चन पूछते हैं लोकसभा राज्यसभा में जो मिनिस्टर बैठे होते हैं कि देखो आपको ये डिपार्टमेंट दिया है आपने कितने पैसे खाए हैं इसमें ठीक है कितनी ग्रांट मिली है आपको आपने कहा खर्च की ये पैसे आपने क्यों खाए नहीं नहीं ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछते हैं वेरी सॉरी पैसे खाए ये नहीं क्वेश्चन पूछते ये पूछते कि इतने पैसे मिले थे आपको कहाँ खर्च किए आपने ठीक है ये आपका डिपार्टमेंट सही क्यों नहीं चल रहा मान लो हेल्थ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि आपके डॉक्टर क्या कर रहे हैं करोना करोना तो बहुत फैल रहा है आपकी, आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है ठीक है हमने आपको एमपी बनाया इसलिए नहीं बनाया कि आप आप करोना ठीक है आप कोई काम ही करो ना ठीक है करोना करोना क्या है आप ना ठीक है हाँ जी कहते करोना का मीनिंग क्या है कहते आप आप गॉड की खुदा की आप भजन बंदगी करो ना ठीक है आप कोई अच्छे काम करो ना ठीक है तो आप अच्छे काम करो ना आप ना करोगे तो आपको क्या हो जाएगा करोना ठीक है जी तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ठीक है तो आप क्वेश्चन आर लिख के पार्लियामेंट में यूट्यूब पे सर्च करिए आप क्वेश्चन भी सुन सकते हैं आप क्वेश्चन भी सुन सकते हैं <laughs> हाँ जी तो ये क्वेश्चन आर समझाए आपको नहीं जी क्वेश्चन एमपी पूछता है स्पीकर को नोट्स देता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछना वो हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो ये तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं पहला है स्टार्ट क्वेश्चन हाँ जी ये मोबाइल लेने आते हैं कि बाद में थोड़ा मोबाइल चलाएंगे ठीक है उनको पता है कि पापा बिजी हैं पढ़ाने में ठीक है तो हम मोबाइल को यूज़ करेंगे ठीक है तो इनका भी माइंड अच्छा है ठीक है बहुत कुछ याद है ठीक है तो मैं टेंशन थोड़ी कम लेता हूं जिसको स्टडी का पूछते हो वो भी आता होता है जी हम इसके और पूछे भी आप किसको जानते हैं कहता पापा पूछो सही सब सब कलाकार पता है सब एक्टर पता है सब एक्ट्रेस पता है ठीक है बारह साल का कहता है पापा मैं सब एक्ट्रेस को जानता हूँ ठीक है मैं क्या आपकी फेवरेट नहीं होनी चाहिए कोई जानता है तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी पहला है स्टार्ट क्वेश्चन हाँ जी आ, इसका और आंसर होता है इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है एक क्वेश्चन पूछा गया उसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन पूछा गया उसके रिगार्डिंग वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है आप मेरी बात समझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्लियर ठीक है जैसे एक लड़का लड़की बैठे हैं सपोज ये ए लड़की है और बी लड़का है ठीक है ये शाम को इकट्ठे हुए कहीं पार्क में तो बी पूछता है कि आज आपके घर में सब्जी कौन सी बनी है ठीक है तो ये कहते दाल बनी है ठीक है तो फिर ये दूसरा क्वेश्चन करें कि आपके घर में दाल है जो टेस्टी बनती है ठीक है तो ये क्या है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है ठीक है उसी चीज पे रिगार्डिंग तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था दाल थी ठीक है कि आपके घर में क्या बना हुआ है आज कितने दाल बनी है ठीक है आपके घर में दाल टेस्टी बनती है ठीक है उसी रिलेटेड क्वेश्चन को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं वो एट ए टाइम पूछा जाता है इमीजिएट पूछा जाता है क्वेश्चन पे क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हाँ जी बिल्कुल सही है लाइक इंटरव्यू इन यूपीएससी बिल्कुल सही है ठीक है लेकिन वो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं होगा ठीक है क्वेश्चन लग नहीं होगा जैसे मैं आप हम सब मिलते हैं ऑफलाइन में मैं पूछता हूं बेटे आपका नाम क्या है आपने नाम बता दिया फिर मैं बाद में पूछूं आपने क्या किया हुआ है बीए किया है या बीटेक किया है तो ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होगा सेकंड क्वेश्चन हाँ जी ये सेकंड क्वेश्चन सप्लीमेंट्री नहीं है पहले मैंने आपका नाम पूछा ठीक है पहले मैंने आपका नाम पूछा ठीक है फिर मैंने पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं है ठीक है जैसे मैं पूछा आपका नाम क्या है आपने नाम बता दिया फिर मैं पूछू ये आपका नाम किसने रखा है आपके मम्मी ने रखा है या आपके डैडी ने रखा है ठीक है ऑन सेम मैटर बिल्कुल सही है on same matter. तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इज क्लियर तो मैंने आज तक जिंदगी में एक बार याद किया था इसे मैं वही तरीके से आपको बताता हूं कि आप कैसे माइंड में रखेंगे स्टार क्वेश्चन देखो स्टार क्या होते हैं तारे स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल little स्टार ठीक है मान लो रात को आप तारे देखते हो तो आप स्टार से बातें करेंगे ठीक है वो रिटर्न में होगी कि और लोगी ठीक है और लोगी है, स्टार से बात करेंगे आप तो और लोगी ठीक तो है तो होता और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी हो सकता है आपका ठीक है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी हो सकता है आप तारों से बात करेंगे तो आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होंगे ठीक है मैंने बच्चों से पूछा कि आप आपने कभी रात को तारे देखे हैं कहते हैं जी देखे हैं बहुत अच्छा जो बंदा नेचर को देखता है जो मजा नेचर में है वो कहीं नहीं है ठीक है तो मैं कहा आप क्यों देखते हो कहते सर जब तारा टूटता है ना तो हम मांग मांगते हैं मांग कोई विश विश मांगते हैं मैं भाई ये कैसे बर में ये कैसी सुपरस्टिशंस है ये तो तारा कई बार गिर भी पड़ता है ठीक है मैं कहा सपोज आप देख रहे हैं आपने विश मांगा और वो ज्यादा ही आपके फिदा हो गया तो वो आपके घर की छत पे आ गया तो फिर आप क्या करेंगे हाँ जी ऐसा भी हो सकता है जब जो आप जोग्राफी में पढ़ेंगे इंडिया में एक लेक है लेक बनी हुई है आप बता सकते हो कहाँ है वो लेक ठीक है वहां पे तारा गिरा और लेक बन गई विशपुरी होगी <laughs> बिल्कुल सही है जी विशपुरी होगी हाँ जी चलो आप साइंस साइंस वाले बच्चे मैं तो साइंस वाला बच्चा नहीं हूं ना बूढ़ा हूं ना बच्चा ठीक है हाँ जी महाराष्ट्र में एक लेक है बता सकते हो ये हाँ जी ये बिल्कुल सही जवाब है शर्मा शर्मा आपका पूरा नाम क्या है आपको दस लड्डू नाम मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग आपका नाम आ रहा है क्या नाम आप रहे हैं शाना शाना सॉरी शाना ओके शाना शाना बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको सोफिया की तरफ से और मेरी तरफ़ से दस लड्डू नाम मिलते हैं आपको ग्रेट सिक्सर बाय शाना ग्रेट सिक्सर ये बॉल होगी हो लोनार ऐसे ही बनी है ठीक है तो आपने सुपरस्टिशन में नहीं पढ़ना ठीक है ठीक है आपने सुपरस्टिशन में नहीं पढ़ना आपकी पूरी हो जाए कहीं ठीक है तो स्टार आप स्टार से बात कर रहे हो मान लो एक तारा गिरा मान लो आप सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं तो आपने क्या मांगा कि मुझे आई एस बना दे ठीक है हे खुदा हे गॉड मुझे आईएस बना दे ठीक है और उसके बाद आप सप्लीमेंट्री भी तारों से क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन मैं लगूं भी अपने जिले में मैं डीसी लगूं अपने डिस्ट्रिक्ट में माय ओन डिस्ट्रिक्ट तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा हां जी दिस पॉइंट इज क्लियर ठीक है नेक्स्ट आ जाओ अनस्टार्ड क्वेश्चन अनस्टार्ड क्वेश्चन देखो उसमें स्टार लगा देते हैं वैसे ही ये स्टार लगाते हैं इसलिए स्टार्ट क्वेश्चन बनते हैं लेकिन मैं तो आपको याद कराने के लिए पढ़ा रहा हूं अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है एक रिटर्न आंसर होता है यहां सप्लीमेंट्री आंसर नहीं हो सकता या सप्लीमेंट्री आंसर नहीं हो सकता ठीक है हाँ जी ठीक है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कभी नहीं होता ठीक है रिटर्न में ठीक है तो जैसे ए और बी है ए ने बी को लेटर लिखा ठीक है बी के पास लेटर पहुंच गया ठीक है तो वो आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा ठीक है आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आपने बी को लेटर लेके क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा और आप इमीडिएटली कोई क्वेश्चन नहीं फॉलो कर सकते हाँ जी तो रिटर्न में कभी भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अतिरिक्त क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हाँ जी ये बात क्लियर है हाँ जी तो अब लेटर लूटर तो बंद ही हो गए मेरे ख्याल पोस्ट ऑफिस तो भूल ही गए लोग गीत भी आ गए हम चिट्ठियाँ पड़नियाँ भूल गए जिद का टेलीफोन लगे टेलीफोन लगे कि उनका तो मोबाइल आ गए हम मोबाइल की आ गए उनका ज़्यादा ही कुछ स्मार्टफोन आ गए ठीक है हूँ तो ऑफिशियल काम भी मोबाइल से होने लगे हैं हमने कोई कम्युनिकेशन करना होता है हमारी हाई अथॉरिटी से और जो जूनियर अथॉरिटी से उनको एसएमएस करते हैं मोबाइल से व्हाट्सएप से सरकारी चिट्ठियां भी फोटो खींच के मेल कर देते हैं और वगैरह ये काम ठीक है हाँ जी नेक्स्ट है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जी मैं काफी सॉन्ग सुनता हूँ मैं कोई सॉन्ग नहीं सुनता ठीक है मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता बच्चे के मैं सॉन्ग सुनू ठीक है मूवीज भी नहीं मैं जीके वाली मूवीज देखता हूँ कोई और नहीं देखता ठीक है जिसमें अकेला हीरो हीरोइन हो वो तो मैं बिल्कुल नहीं देखता हाँ जी हाँ जी सॉन्ग सुन लेते हैं रिलीजियस सॉन्ग सुनते हैं रिलीजियस सॉन्ग ठीक है सुन लेते हैं घर में परिवार वाले लगा लेते हैं वाइफ लगा लेते हैं सुखविंदर को जानते हैं आप सुखविंदर जी को हाँ उनके भी बहुत सॉन्ग दो चार सुबह दो चार शाम को सुनने होते हैं जी जी हां जी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं इज वन दैट इज आस्ट गिविंग अ नोट्स ऑफ लेस देन टेन डेज इट इज आंसर ऑरली शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है जो नोट्स दिया जाता है लिस्ट दस दिन से पहले ठीक है दस दिन से दस दिन दस दिन में नोट्स दिया जाता है स्पीकर को कि मैंने ये क्वेश्चन पूछना है तो ये आंसर ऑर्ली लिया जाता है ऑर्ली मतलब मिनिस्टर उसका जवाब देगा ठीक है हाँ जी तो आप मुझे हाँ जी आप मुझे बताए ठीक है हाँ जी नोट्स दिया जाता है स्पीकर को और मंत्री और जवाब देता है और जवाब देता है मंत्री हाँ जी कहते प्राइवेट मेंबर को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यस पूछे जा सकते हैं प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं एमपीज होते हैं एमपीज को भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं

जो मिनिस्टर होता है ये देखो एक स्पीकर आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते आप स्पीकर से मंजूरी लेंगे हर काम की स्पीकर से तो स्पीकर आपको लॉक करेगा क्वेश्चन वो टाइम देगा कि कितने टाइम ने आपने पूछना है वो मंत्री को टाइम देगा कितने टाइम में मंत्री ने आंसर करना है तो आप एक बार प्लीज जरूर यूट्यूब में आपने जाके सर्च करना है क्वेश्चन आर्स ठीक है आपको क्वेश्चन भी पता लग जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको सब चीज मिल जाएगी ठीक है तो आप यूट्यूब में सर्च करना आपका प्रैक्टिकली हो जाएगा ये पूरा चैप्टर ठीक है ये चीज है आपको एक चीज की जानकारी मिल जाएगी लिस्ट ऑफ स्टार्ट एंड स्टार्ट शॉर्ट नोस्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टू मेंबर आर प्रिंटेड इन ग्रीन व्हाइट एंड लाइट पिंक एंड येलो कलर टू फ्रॉम वन अनदर ठीक है तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं ठीक है इनको प्रिंट किया जाता है कलर्स में ता जो पता चल जाए ठीक है हाँ जी क्या पूछना चाहते हैं देखो नोटिस क्या होता है हाँ जी तो ये ऑर्ली आंसर दिया जाता है तो इसमें जहां ऑर्ली है तो नेचुरली है वहां पे सप्लीमेंट्री हो सकता है श्रुति जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये तो यहां ऑर्ली है तो सप्लीमेंट्री हो सकता है रिटर्न में नहीं होता मैं आपको पहले ही बता चुका हूं तो ये भी ऑर्ली होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ठीक है नोट्स देना होता है अपने दस दिन पहले दस दिन पहले देना होता है नोटिस ठीक है आप तो मुझे दस दिन का नोट्स नहीं देते कि सर दस ठीक है दस दिन पहले मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन पूछना है आप तो इमीजिएट पूछ लेते हो मैं तो आपको इमीजिएट जवाब देता हूं ठीक है हाँ जी डिफरेंट कलर इसलिए दिए जाते हैं कि वो ना टैग लगा के रखते हैं उनको पता होता है कि ये क्वेश्चन हो गए उनका काम इजी रहता है सरल रहता है आप जब ऑफिसर बन गए आपको भी बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा ठीक है बहुत काम आपको फॉलो करने पड़ेंगे आप एक डायरी रखेंगे एग्जीक्यूटिव डायरी और डायरी में डेट में आप नोट करेंगे कि मेरी कब मीटिंग है ठीक है और इस महीने का सारी डिटेल आप डायरी पे लिखेंगे कि किस दिन मैंने क्या काम करना है किस दिन मैंने क्या काम करना है ठीक है आप सारी डिटेल रखेंगे फिर उस पर आप टैग लगा के रखेंगे आपको पता चलता रहेगा कि ये चीज मैं यहां से देखनी है ठीक है आपने मान लो हरे रंग का टैग लगा दिया ठीक है तो आपने मान लो कोई शादी अटेंड करनी है तो आप उसमें हरा टैग लगा देंगे ठीक है तो आपने किसी कोर्ट में जाके कोई आंसर देना है किसी बात का ठीक है उसपे लाल टैग लगा देंगे ठीक है उस डेट में तो आप लाल टैग देख के आपको याद रहेगा कि ये खतरे वाला काम है तो इसपे थोड़ा ज्यादा ध्यान फोकस करना है ठीक है आप एग्जीक्यूटिव डायरी पे नोट करेंगे कि मैंने किस दिन काम क्या करना है मेरे मेरे कौन से काम हो गए कौन रह गई ठीक है ये सारी चीजें आप सीखेंगे ठीक है देखो वैसे काम भूल जाते हैं कि क्या करने हैं देखो प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये चीज है प्राइवेट मेंबर कौन होता है एमपी होता है एमपी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो उसके बिल के रिकॉर्डिंग रिलेटेड है तो उससे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है नेक्स्ट है जीरो आर देखो सारा जो शेड्यूल बनाते हैं वो स्पीकर और जो आईएस होते हैं वहां उसे आ, जनरल सेक्रेटरी कहते हैं आपको पता ही मैंने कराया आपको लोकसभा में स्लेन आता है दूसरे में आपने बताया था कि कौन वो आई एस है इंचार्ज होता है राज्यसभा लोकसभा का वो सारा वो भी बनाते हैं मतलब वो हेल्प करते हैं स्पीकर की बहुत ज्यादा सारा वही शेड्यूल बनाते हैं कि क्या होगा ठीक है कौन कब किसी को गालियां देगा नहीं नहीं सॉरी गालियां नहीं मतलब क्वेश्चन पूछेगा तो वो सारा शेड्यूल बनाते हैं ठीक है <coughs> हाँ जी तो पार्लियामेंट में बहुत डिबेट चलता है ठीक है आप सुना करो देखा करो ठीक है हां जी नेक्स्ट है जीरो आर्स जीरो घंटा ठीक है देखो ग्यारह से बारह अलेवन टू ट्वेल्व क्या होता है क्वेश्चन आर होता है ठीक है तो जीरो आर नेक्स्ट बारह से एक तक होता है याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है बारह के बाद क्या होता है एक आता है एक बार बारह से बाद क्या होता है जीरो आता है ठीक है मैंने ऐसे याद रखा है हाँ जी क्लियर है हाँ जी क्लियर है आपके ये चीज क्लियर क्वेश्चन आर के बाद क्या आता है जीरो आर आता है कहते हैं कि जीरो आर इज नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर जो पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है उसमें नहीं मेंशन इट इज इनफॉर्मल अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू रेज द मैटर विदाउट एनी प्रियर नोटिस तो यहां कोई नोटिस नहीं दिया जाता इनफॉर्मल डिवाइस होता है इनफॉर्मल डिवाइस होता है इनफॉर्मेड वॉइस मतलब जैसे क्वेश्चन और फॉर्मेड वॉइज तो होता है कि आप क्वेश्चन पूछो ठीक है लेकिन ये informal devices होता है मतलब यहां बैठे मान लो गप्पा रहे हैं चाय पी रहे हैं ठीक है चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मान लो सपोज मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट की मान लो हम दो घंटों की क्लास लगा रहे हैं ठीक है टू घंटे जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो तो हो जाएंगे फॉर्मल वो तो हो गया क्वेश्चन आर उसके बाद हम चाय पीने बैठ गए तो वहां पे भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो होगा जीरो आर मतलब वो फॉर्मल नहीं होगा अन होगा ठीक है उसका कोई शेड्यूल नहीं होता मतलब ऐसे ही गप्पे शप्पे मार रहे हैं चाय पी रहे हैं ठीक है वो जब वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे जीरो घंटा कहते हैं हाँ जी दिस पॉइंट इज क्लियर ठीक है जैसे क्वेश्चन आता है वैसे पूछ ही जाते हैं भाई ठीक है सारे एक दूसरे को कोई बड़ा नहीं मानते छोटा नहीं मानते उस टाइम सारे एक दूसरे को क्या मानते हैं जीरो मानते हैं ठीक है हाँ जी तो उसके बाद एजेंडा होता है एजेंडा कहते कि क्वेश्चन आर और एजेंडे के बीच में जो टाइम होता है वो जीरो आर होता है एक तरह की आप ये मान लो कि ब्रेक होती है जीरो आर को आप ब्रेक मान के चले ठीक है जब मैं ऑफलाइन क्लास लाता था ठीक है तो हम ब्रेक लेते थे ब्रेक ब्रेक में चाय पीते थे हम कंटीन में ठीक है जहां लंच टाइम लगा लो ठीक है तो लंच टाइम हमने चर्च में खाना खा के आना ठीक है दोपहर को लंच लेके आना चर्च में जाना तो कई बच्चे मेरे साथ पैदल ठीक है वहां पैदल जाते तुर के मेरे साथ ठीक है तो रास्ते में भी क्वेश्चन पूछते रहते मेरे से कि सर ये क्या होता है ये क्या होता है ठीक है वो वो क्या था जीरो आर था वो ठीक है हाँ जी अब क्लियर है हाँ जी ब्रेक होता है एक तरह का ये हाँ जी किसी को कोई डाउट हाँ जी तो नेक्स्ट है मोशन हाँ जी मोशन ठीक है मोशन का मतलब प्रस्ताव होता है प्रस्ताव होता है ठीक है प्रस्ताव प्रस्ताव क्या होता है प्रपोजल होता है ठीक है मोशन तो समझ नहीं आएगा आपको मोशन को तो आप लूज मोशन समझेंगे ठीक है लेकिन आप प्रपोज को समझते हैं प्रपोज को ठीक है बच्चे हैं ना आप प्रपोज को समझेंगे आप टीवी सीरियल में देखते हैं ठीक है और आप मूवीज में देखते हैं ठीक है हीरो हीरोन को प्रपोज करता है नीचे वो घुटना टेक के और एक हाथ में फूल लेके ठीक है ठीक है फूल लेके पता नहीं कुछ कहता भी है कि नहीं कहता हाँ सच कहता है कि आज आपने सब्जी कौन सी बनाई है ठीक है तो हाँ जी वो क्या होता है ओके ओके सब्जी नहीं दाल बनाई अच्छा अच्छा ओके ओके इट्स ओके ठीक है ठीक है ठीक है हाँ जी तो वो प्रपोज क्या होता है प्रपोजल होता है प्रपोजल प्रस्ताव कहते हैं है। तो मोशन कैस क्या होता है पार्लियामेंट में एम कुछ प्रपोजल रखते हैं स्पीकर के सामने के सर ऐसा होना चाहिए हम इस चीज के सपोर्ट में हम इस चीज को प्रपोज करते हैं हम इसी चीज का प्रपोजल देते हैं आपको कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए तो इसे क्या कहते हैं मोशन कहते हैं ठीक है आपने कंफ्यूज नहीं होना ये लूज मोशन नहीं है ठीक पुर्पोज है मोशन मीन्स प्रपोज है प्रपोजल है हाँ जी हाँ जी आपको समझ आ रहा है नो डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट अ मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रोजाइडिंग ऑफिसर ठीक है तो कहते कि कोई भी किसी भी मैटर पे डिस्कशन नहीं होती उससे पहले डिस्कशन से पहले एक मोशन पास करना पड़ता है प्रेजिडेंट की सॉरी प्रेजाइडिंग ऑफिसर की सहमति से प्रेजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर होता है ठीक है एंड द हाउस एक्सप्रेस एट्स डिसीजन और ओपिनियन ऑन वेरियस इश्यूज थ्रू द अडॉप्शन और रिजेक्शन ऑफ मोशन मूड आइदर बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर ठीक है हां जी तो कहते किसी भी विषय पर बहस नहीं होती पहले एक मोशन पास करना होता है एक प्रपोजल पास करना होता है जैसे कोरोना हां जी तो कोरोना पे मान लो डिबेट करना चाहता है कोई एमपी तो एमपी क्या पहले मोशन पास करेंगे कि हम ये हम, हम इस चीज पे डिस्कस करना चाहते हैं हाँ जी तो उसको क्या कहेंगे मोशन कहेंगे बोलो ये पॉइंट क्लियर है हाँ जी ये बात क्लियर है मान लो हम अपनी एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास ली ठीक है तो आप कहें पॉलिटी नहीं पढ़नी आज हमने, हमने आपसे बातें करनी है ठीक है तो मैं सोचूंगा यार बातें थोड़ी करनी है ठीक है तो ये मैनेजमेंट वाले क्या कहेंगे कि सर तो पढ़ाते नहीं है ये तो बातें करते रहते हैं ठीक है मान लो क्लास में मेजोरिटी से कुछ लोगों ने कह दिया कि ये हमने बातें ही करनी है तो ये मोशन है उन्होंने हाथ खड़े करके पूरी क्लास ने कह दिया ठीक है एक मोशन पास कर दिया कि देखो आज हम बातें करेंगे आज हम पढ़ेंगे नहीं आपसे ठीक है तो उन सब ने क्या कर रखा प्रस्ताव रखा ठीक है एक प्रपोजल रखा ठीक है कि देखो आज हम ये चीज पे डिस्कशन करना चाहते हैं ठीक है तो उसे क्या कहते हैं मोशन कहते हैं हाँ जी बोलो ये चीज समझ आई या हाँ जी ये मोशन तो दोनों हाउस में ही होते हैं ठीक है हां जी प्राइवेट मेंबर पता ही आपको एमपीज को कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स ठीक है मिनिस्टर सरकार की तरफ से होता है और एम को प्राइवेट मेंबर कहते हैं तो मोशन मोशन कोई भी ला सकता है प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं और मिनिस्टर भी ला सकते हैं और पहला है ऑफ मोशन सब्सटेंटिव का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बहुत ठीक है कहते जैसे राष्ट्रपति को हटाना है एंपीचमेंट करनी है जहां किसी इलेक्शन कमीशन को हटाना है मान लो कोई तो ये एक सबस्टेंस मोशन है ठीक है तो ये सबस्टेंस मोशन है ये हाँ जी ये बात समझ आया पहला पॉइंट तो उस दिन और कोई काम नहीं करेंगे जो एमपी ने एम ने मोशन पास कर दिया कि आज देखो हमने प्रेजिडेंट को हटाना है तो हम उस पर चर्चा चाहते हैं और कोई काम नहीं करेंगे ठीक है तो ये सबस्टेंस मोशन है हां जी ये पॉइंट क्लियर नहीं बहुत सिंपल वे से बताया मैंने आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे के सिंपल से सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको पता ही है जैसे आप मैंने अपनी क्लास की एग्जाम्पल दी थी कि आप आपने क्या मोशन पास किया कि आज हमने बातें करनी है पढ़ना नहीं है।, है जी बोलो ये पॉइंट क्लियर है सिंपल सी बात है जो इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं जो इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए पहले मोशन पास किया जाता है ठीक है आज हमने ये बातें करनी है ये बातें करनी है ये चीज डिस्कस करनी है हम और कोई काम नहीं करेंगे तो इसे क्या कहते हैं सबस्टेंट मोशन कहते हैं बोलो ये समझ आई नहीं आई हाँ जी क्लियर है जैसे मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है ठीक है आपके घर में कोई फंक्शन है ठीक है मान लो किसी की रिंग सेरामनी होने जा रही है रिंग सेरामनी होने जा रही है मान लो सपोज कोई शहीद होने जा रहा है ठीक है तो घर में बातें क्या चलेगी वही चलेगी जो घर में फंक्शन होने जा रहा है ठीक है ठीक है तो परिवार के मेंबर कहेंगे कि देखो आज हमने इस पर बात करनी है ठीक है और और कोई चीज़ पे बात नहीं करेंगे ठीक है तो ये खास टॉपिक है हम इस हम इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये क्या है सबस्टेंट मोशन है सबस्टेंटम का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है हाँ जी हाँ जी पहला मोशन समझ आया दूसरा है सब्टीट्यूट मोशन अब नाम से क्लियर है सब्टीट्यूट सब्टीट्यूड क्या होता है इट इज अ मोशन दैट इज मूव इन द सब्टीट्यूट ऑफ ओरिजिनल मोशन एंड प्रपोजेस एन अल्टरनेटिव टू इट इफ एडोप्टेड बाय द हाउस इट सुपरसीड द ओरिजिनल मोशन उसका सब्टीट्यूड होता है ठीक है चलो आपने पहले मोशन पास कराया कोरोना को डिस्कस करने के लिए फिर आप कहते हैं कि देखो महंगाई बहुत ज्यादा है हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं इन्फ्लेशन को डिस्कस करना चाहते हैं तो फिर कोरोना नहीं होगा डिस्कशन इन्फ्लेशन होगा तो ये सब्टीट्यूड मोशन है वो कहते हैं कि हमारी डिस्कस इस टॉपिक पे कराई जाए ये टॉपिक नहीं होता तो ये हो सकता है हाँ जी ये पॉइंट क्लियर है सप्टीट्यूट क्या होता है कि ये नहीं है तो ये हो सकता है ठीक है कहते हैं कि दुनिया में हर एक चीज का सब्टीट्यूट है लेकिन दो चीजों का सब्टीट्यूट नहीं है ठीक है अल्टरनेटिव बिल्कुल सही है एक तो फादर का नहीं है एक मदर का नहीं है ठीक है बाकी एक चीज का सब्जीट्यूट है हां जी सब्टिट्यूट मोशन इज वेरी सिंपल आप ये बात नहीं करना चाहते तो ये बात कर लो हाँ जी सब्टीट्यूट मोशन इज क्लियर देखो आप कहते हैं कि सर देखो आज हम पढ़ना नहीं चाहते आज हम सॉन्ग सुनना चाहते हैं ठीक है फिर कहते हैं कि चलो सॉन्ग नहीं तो मूवी भी देख लेंगे ठीक है तो मैं क्या करूँगा सब्टीट्यूट दे दिया आपने सॉन्ग नहीं तो मूवी ठीक है तो मैं आपको क्लास में पहले तो पढ़ाना चाहता था फिर आपने सॉन्ग का जिक्र किया ठीक है तो मैंने सॉन्ग सुनाने की वजह से आपको मूवी दिखा दी ठीक है तो मूवी क्या हो गया सॉन्ग का सब्टीट्यूट हो गया मैं, मैं कुछ, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई कौन सा मुश्किल काम है इसमें कोई नेक्स्ट है सब्सिडरी मोशन

कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस ये हाउस का डिसीजन नहीं बता सकता विदाउट रेफरेंस कहते हैं उनको ओरिजनल जो सब्टिट्यूट दिया, दिया होता है उसका वही देना पड़ता है ठीक है सब्सिडरी मोशन क्या होता है उसका सहायक होता है सहायक मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं ठीक है जैसे कोरोना डिजीज है मान लो पार्लियामेंट में मोशन पास किया जाता है कोरोना पे ठीक है कोरोना पे कोई चर्चा होती है मान लो सपोज तो कोरोना की वजह से ठीक है कितने लोगों का काम पे असर पड़ा इंपैक्ट पड़ा इकॉनमी पे ठीक है कोरोना की वजह से कोरोना की वजह से तो एक तरह का ये कोरोना का ही पार्ट है तो उसे कहते हैं सब्सिडरी मोशन हाँ जी अब पॉइंट क्लियर है इसे कहते हैं सब्सिडरी मोशन मान लो पार्लियामेंट में किसी चीज पर डिस्कस होगी तो उसका ही उसके साथ अटैच कोई और मोशन लाना उसे कहते हैं सब्सिडरी मोशन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कराया ठीक है हां जी हां जी क्लियर है रिलेटेड रिलेटेड जी क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है किसी को ठीक है टाइम कितना हो गया हाँ जी व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच नाइन फिफ्टी वन ओके आठ दस मिनट और पढ़ते हैं ठीक है कंसर्न मैटर ये बिल्कुल अंजू कुमार ने बिल्कुल सही बताया आपको दस लड्डू नाम मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग सही है ये तीन तीन तरह का होता है पहला होता है एंसिलरी एंसिलरी मतलब होता है सहायक कहते इट इज यूज एज रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग विद वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस ठीक है कहते कई तरह का जो काम होता है पार्लियामेंट में उसका सहायक होता है मतलब आप पार्लियामेंट में कोई एक मैटर की चर्चा हो रही है तो उसका ही कंसर्न मैटर से आप कोई और प्रस्ताव रखें उस वाला भी चर्चा करें ठीक है तो ये को हो जाएगा एंसलरी एक होता है सुपरसीडिंग ठीक है सुपरसीडिंग होता है एक को बंद कर देना और दूसरे को चला देना आपने आपने एक सब्सिडरी मोशन मान लो एक मोशन लाए एक सब्सिडरी मोशन लाए ठीक है तो जो सब्सिडरी मोशन लाए पहले वाले को बंद कर दिया सुपरसीड करता है मतलब सुपरसीड होता है किसी की जगह लेना ठीक है जो पहले पेश किया होता है मैटर उसकी जगह ले लेता है दूसरा तो ये सुपरसीडिंग है देखो आपको थोड़ी चीजें ये और ही लगेगी कि भाई ये क्या चल रहा है हमें तो समझ नहीं आ रहा ठीक है मोशन मोशन तो समझ आ गया ना आपको हाँ जी मोशन तो समझ आ गया ना ठीक है कोई मुश्किल नहीं है ये बहुत इजी है याद रखने भी इजी है एंसलरी मतलब सहायक होता है सहायक उसका हेल्प करने वाला दूसरे की हेल्प करने वाला ठीक है एंसलरी ठीक है सुपरसीडिंग होता है पहले वाला बंद हो जाता है जो बाद वाला पेश किया जाता है वो जगह ले लेता है सुपरसीडिंग कहते हैं उसे ठीक है अमेंडमेंट क्या होता है जो पहले वाला आपने कोई मैटर पेश किया आप उसमें सोध जाते हैं कि देखो इसमें ये चीज ऐसे होनी चाहिए तो ये अमेंडमेंट है ठीक है तो ये मोशन हमारे खत्म हो गई हाँ जी इसमें कोई दिक्कत मोशन में सबस्टेंटो मोशन कब लाया जाता है जैसे राष्ट्रपति को हटाना मैं रिपीट करता हूं आपके समझ आ जाएंगे जैसे राष्ट्रपति को हटाना है चलो मैं आपको एक और सिंपल तरीके से कराता हूं ठीक है हमारी क्लास लगी ऑफलाइन ठीक है तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम चर्चा करना चाहते हैं ठीक है किस चीज पे चर्चा करना चाहते हैं तो एक फालतू जो टॉपिक ले लेते हैं हम ठीक है ठीक है तो मान लो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं कोई के यूपीएससी मेन कैसे लिखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो आप एक प्रपोजल बनाते हैं आप एक मोशन पास करते हैं कि आज हमें ये चीज कराई जाए यूपीएससी मेन कैसे लिखा जाता है ठीक है तो यह क्या हो गया सब सब्सेंटो मोशन हो गया इंपॉर्टेंट मोशन क्लियर है जी? दूसरा है सब मोशन आपने एक बात कह दी कि सर आज हम यूपीएससी मेंस के बारे में डिस्कशन चाहते हैं लेकिन आपने एक उसका सब्टीट्यूट दे दिया कि उसका सब्टीट्यूट क्या पीसीएस दे दिया कि हमें यूपी बारे में बताओ ठीक है तो ये ये यूपीएससी का पीसीएस क्या हो गया सबूट हो गया आज हम इस पे बात करना चाहते हैं हाँ जी ये दो क्लियर है हाँ जी बोलो दिस पॉइंट इज क्लियर ठीक है तो तीसरा है सबसे डेरी मोशन सब्सिडरी क्या होता है जो उसका हेल्पर होता है ठीक है आपने मान लो एक मोशन आपका ये है देखो मेन की हैंडराइट मेन मेन कैसे लिखा जाए ठीक है फिर इसका सब्सिडरी क्या हो गया कि हैंडराइटिंग कैसी हो मेन में हैंड राइटिंग कैसी हो तो ये सब्सिडरी मोशन है ये क्या सब्सिडरी इसका हेल्पर है ये देखो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको मेन में कम मार्क्स आएंगे ठीक है तो ये ये क्या हो गया इसका सब्सिडरी हो गया बताओ अभी भी नहीं समझ आया तो फिर आई एम वेरी सॉरी फिर मैं और एग्जांपल ले देता हूं सॉरी वाली तो कोई बात नहीं है ठीक है और ये तीन तरह के होते हैं एंसलरी ठीक है सुपरसीडिंग मतलब एक को बंद कर देता है ये पहले वाले को। और तीसरा अमेंडमेंट है जो पहले वाला सब्सिट्यूट होता है उसमें थोड़ा हैं। अभी ये इसमें चेंज कर दो सर चेंज कैसे ठीक है आपने मान लो कहा कि सर सॉन्ग सॉन्ग सुनने हैं ठीक है आपने कहा सॉन्ग सुनने हैं, फिर आप कहने नहीं हमने तो जिससे से सॉन्ग सुनने हैं, ठीक है, है। सॉन्ग सॉन्ग में भी फर्क है तो ये ये मोशन में अमेंडमेंट है ये क्या है मोशन में अमेंडमेंट है हाँ जी ये क्लियर है चलो बाकी हम कल करेंगे ठीक है जी थैंक यू सो मच